हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या सोचते थे पेरियार, क्यों पेरियार के नाम से ही मनुवादियों को लगता है डर। आज पेरियार अन्ना का जन्मदिन है, इसलिए हम उनके जन्मदिन पर आपके लिए लेकर आए हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प वाक्य और उनके वो विचार जिनसे ब्राह्मणवादियों को लगती है तीखी मिर्ची। तो आइए शुरू करते हैं। पेरियार के नाम से मशहूर ईवी रामास्वामी नायकर का तमिलनाडु में इतना ज्यादा असर है कि उनके विरोधी भी उनका नाम बेअदबी से नहीं लेते। 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के ईरोड में पैदा हुए पेरियार का जादू आज भी बरकरार है। अब वो सिर्फ दक्षिण भारत के सुकरात नहीं बल्कि पूरे इंडिया में एक बहुजन महानायक के रूप में याद किए जाते हैं। तर्कवादी, नास्तिक और वंचितों के समर्थक होने के कारण उनकी सामाजिक और राजनीतिक जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। 1919 में उन्होंने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। वो कट्टर गांधीवादी और कांग्रेसी के रूप में जाने गए थे। वो गांधी की नीतियों जैसे शराब विरोधी आंदोलन, खादी और छुआछूत मिटाने की ओर आकर्षित हुए थे। उन्होंने अपनी पत्नी नागमणि और बहन बालाम्बल को भी राजनीति से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दो महिलाएं ताड़ी के दुकानों के विरोध में सबसे आगे थीं। ताड़ी विरोध आंदोलन के साथ एकजुटता में उन्होंने स्वेच्छा से खुद अपने नारियल के बाग नष्ट कर दिए थे। उन्होंने सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भाग लिया और गिरफ्तार भी किए गए। वो कांग्रेस के मद्रास प्रेसिडेंसी यूनिट के अध्यक्ष भी बने थे, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि कांग्रेस सिर्फ सवर्ण ब्राह्मण पुरुषों के संगठन के अलावा कुछ नहीं थी। वाइकोम सत्याग्रह और पेरियार। 1924 में केरल में त्रावणकोर के राजा के मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर दलितों की एंट्री बैन किए जाने का विरोध हुआ था। इसका विरोध करने वाले नेताओं को राजा के आदेश से गिरफ्तार कर लिया गया था और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कोई लीडर नहीं था। तब आंदोलन के नेताओं ने इस विरोध का जो अगुवाई है लीडरशिप करने के लिए पेरियार को आमंत्रित किया। वो उनके पास गए और उन्हें समझाया कि ये आंदोलन है, आप आकर लीड कीजिए। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए पेरियार ने मद्रास राज्य कांग्रेस अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनके विचार जो है टकराने लगे थे, तो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वो गांधी के आदेश का उल्लंघन करते हुए केरल चले गए। गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से उन्हें मना किया गया था, लेकिन वो फिर भी दलितों की एंट्री को लेकर केरल चले गए। त्रावणकोर पहुंचने पर उनका राजकीय स्वागत हुआ, क्योंकि वो राजा के दोस्त थे, लेकिन उन्होंने इस स्वागत को स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि वो वहां राजा का विरोध करने पहुंचे थे। कितनी जबरदस्त बात है कि वो राजा के दोस्त हैं, उनके स्वागत के लिए तैयारी की राजा ने, लेकिन राजा के रास्ते पर दलित नहीं जा सकते, इसके खिलाफ चल रहे आंदोलन में वो हिस्सा लेने पहुंचे थे, इसलिए उन्होंने राजा के स्वागत का विरोध कर दिया, उसको नामंजूर कर दिया कि मुझे आपका स्वागत नहीं चाहिए। उन्होंने राजा की इच्छा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। राजा उनके दोस्त थे, वो कह रहे थे कि आप ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने अपने दलित जो साथी थे उनके हक के लिए अपने दोस्त और राजा के खिलाफ आंदोलन किया। अंततः उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और महीनों के लिए वो जेल में बंद कर दिए गए। केरल के नेताओं के साथ भेदभाव के खिलाफ उनकी पत्नी नागमणि ने भी महिला विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। कांग्रेस सम्मेलन में जाति आरक्षण के प्रस्ताव को पास करने के उनके लगातार प्रयास सफल हुए। वो ये प्रस्ताव पारित नहीं करा पाए, क्योंकि वो उस समय पर एक सवर्ण ब्राह्मण पुरुषों का एक गुट बन गई थी कांग्रेस, और उसी तरह से वो फंक्शन कर रही थी। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई कि जो चेरन महादेवी शहर में कांग्रेस पार्टी के अनुदान से जो स्कूल चलाए जा रहे हैं, सुब्रमण्यम अय्यर स्कूल उनके स्कूल के नाम थे, उनमें ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण छात्रों के साथ खाना परोसते समय अलग व्यवहार किया जाता है। यानी कांग्रेस पार्टी के फंड से जो स्कूल चल रहे थे उसमें ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जा रहा था। पेरियार ने ब्राह्मण अय्यर से सभी छात्रों से एक समान व्यवहार करने का आग्रह किया, लेकिन न तो वो अय्यर को इसके लिए राजी कर सके और न ही कांग्रेस के अनुदान को रोक पाने में कामयाब हुए, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का ही फैसला कर लिया। कांग्रेस छोड़ने पर उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया, जिसका लक्ष्य गैर ब्राह्मणों, जिन्हें वो द्रविड़ कहते थे, उनमें आत्मसम्मान पैदा करना था। बाद में वो 1916 में शुरू हुए एक गैर ब्राह्मण संगठन दक्षिण भारतीय लिबरेशन फेडरेशन, जो जस्टिस पार्टी के रूप में मशहूर हुई, पेरियार उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, यानी उन्होंने जस्टिस पार्टी बना ली। पेरियार के साथ काशी के ब्राह्मणों का दुर्व्यवहार। 25 साल की उम्र में पेरियार काशी गए थे। वो तमिलनाडु के एक द्रविड़ व्यापारी के द्वारा बनाए गए धर्मशाला में ठहरे थे, लेकिन वहां उन्हें अपमानित करके निकाल दिया गया, क्योंकि वहां खाना केवल ब्राह्मणों को ही खिलाया जाता था।
भूख से परेशान पेरियार ने धर्मशाला के बाहर फेंके गए झूठे पतलों पर मौजूद भोजन से अपनी भूख मिटाई, क्योंकि वहां एक शूद्र को, एक द्रविड़ व्यक्ति को जिसकी चमड़ी का रंग काला है, उसे काशी का कोई पंडा पुजारी दुकानदार खाना नहीं खिला रहा था। झूठन के उस अंबार पर कुत्ते भी अपनी भूख मिटा रहे थे। झूठे पतलों के सहारे उन्होंने अपनी भूख मिटाई। इस घटना ने पेरियार के मन को झकझोर कर रख दिया और उनके दिल में हिंदू धर्म के प्रति जो थोड़ी बहुत इज्जत बची थी वो भी खत्म हो गई। इस घटना ने पेरियार के दिलो दिमाग पर जातिवादी भेदभाव को हमेशा हमेशा के लिए छाप दिया। काशी और वहां के पंडे ब्राह्मणों से वो घृणा करने लगे, क्योंकि वहां ब्राह्मणवाद का नंगा नाच चल रहा था। काशी में उन्होंने जबरदस्त भेदभाव देखा। यहां आकर उन्होंने आर्य और द्रविड़ के भेद को भी महसूस किया। नस्ल के नाम पर द्रविड़ों के प्रति हीनता से देखा जा रहा था। ये सब देखने के बाद पेरियार अन्ना ने ठान लिया कि वो अब पूरी जिंदगी ब्राह्मणवाद के खिलाफ विद्रोह करेंगे। द्रविड़ कड़गम और पेरियार। पेरियार ने 1944 में अपने आत्मसम्मान आंदोलन और जस्टिस पार्टी को मिलाकर द्रविड़ कड़गम का गठन किया। उन्होंने रूस का दौरा किया, जहां वो कम्युनिस्ट पार्टी के आदर्शों से प्रभावित हुए और कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र का पहला तमिल अनुवाद उन्होंने प्रकाशित किया। महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर भी उनके विचार इतने प्रखर हैं कि उन्हें बहुत सारे लोग कट्टरपंथी तक कह डालते हैं। उन्होंने बाल विवाह के उन्मूलन, विधवा महिलाओं की दोबारा शादी के अधिकार, पार्टनर चुनने या छोड़ने यानी तलाक लेने के अधिकार और शादी को थोपना, इसके खिलाफ जो है आंदोलन करना और महिलाओं के अधिकारों की और उन्होंने आंदोलन किया। और इस जो शादी की संस्था है इसमें निहित पवित्रता की जगह उन्होंने पार्टनरशिप के रूप में जो है अपने साथी को स्वीकार कर लेने के जो अभियान है वो चलाए। उन्होंने महिलाओं से केवल बच्चा पैदा करने के लिए शादी करने की जगह महिला शिक्षा को अपनाने की अपील की थी। कट्टर नास्तिक थे पेरियार। पेरियार एक कट्टर नास्तिक थे। उनके अनुयायियों ने शादी के अनुष्ठानों को चुनौती दी, यानी जो ब्राह्मण तरीके से शादी होती थी उसको चुनौती दी। शादी के निशान के रूप में थली यानी कि मंगलसूत्र पहनने का विरोध किया। जो महिलाएं मंगलसूत्र धारण करती हैं उनका उन्होंने विरोध किया कि हमारे जो लोग हैं वो शादी करेंगे तो ऐसा कोई भी कर्मकांड नहीं करेंगे। उन्होंने एक महिला जो सम्मेलन है, जो क्योंकि महिला अधिकारों के लिए काम करते थे, तो उन्हें एक महिला सम्मेलन के बीच में ही पेरियार की उपाधि दी गई थी। और पेरियार का मतलब होता है महान व्यक्ति, जो महान शख्सियत होते हैं उन्हें पेरियार कहा जाता है और उनके समर्थक उन्हें प्यार से पेरियार अन्ना कहकर बुलाते हैं। तो महिला सम्मेलन में ही उन्हें ये उपाधि दी गई थी। पेरियार का मानना था कि समाज में निहित अंधविश्वास और भेदभाव की वैदिक हिंदू धर्म में अपनी जड़ें हैं, जो समाज को जाति के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटती है, जिसमें ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊपर है। इसलिए वो वैदिक धर्म के आदेश और ब्राह्मण वर्चस्व को तोड़ना चाहते थे। एक कट्टर नास्तिक के रूप में उन्होंने भगवान के अस्तित्व की धारणा के विरोध में प्रचार किया। पेरियार ने गैर द्विजों और महिलाओं से आह्वान किया कि वे उस ईश्वर को नष्ट कर दें जो तुम्हें शूद्र कहता है। उन पुराणों और महाकाव्यों को नष्ट कर दो जो हिंदू ईश्वर को सशक्त बनाते हैं। उनका मानना था कि हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था नौकर और मालिक का सिद्धांत स्थापित करते हैं और पेरियार उसके खिलाफ थे। पेरियार और सच्ची रामायण। पेरियार ईश्वर की सत्ता को नकारते हैं। वो कहते हैं कि कोई भगवान नहीं होता। पेरियार ने आर्यों की श्रेष्ठता, ब्राह्मणवाद और जाति व्यवस्था पर जबरदस्त हमला किया। पेरियार ने खुलेआम मनुस्मृति और रामायण जैसे हिंदू ग्रंथों को जला दिया। रामायण की हकीकत को सामने लाने के लिए उन्होंने रामायण का एक मुकम्मल पाठ रामायण पादिरंगल प्रस्तुत किया, जो 1959 में अंग्रेजी भाषा में द रामायण ए ट्रू रीडिंग शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इसका हिंदी अनुवाद 1968 में सच्ची रामायण के नाम से ललई सिंह यादव पेरियार ने प्रकाशित कराया, जिसका अनुवाद राम आधार ने किया था। पेरियार की नजर में रामायण कोई धार्मिक किताब नहीं है, यह एक राजनीतिक ग्रंथ है जिसका उद्देश्य आर्यों का अनार्यों पर यानी ब्राह्मणों का गैर ब्राह्मणों पर, पुरुषों का महिलाओं पर वर्चस्व और वर्चस्व के अन्य रूपों को न्याय संगत ठहराना है। सच्ची रामायण की भूमिका में पेरियार लिखते हैं, इनके मूल आख्यानों का सावधानी से विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि जो भी घटनाएं हुई हैं वे असभ्य और बर्बर थी, और उनकी कथाओं को इस तरह से लिखा गया है कि ब्राह्मण दूसरों की नजर में महान दिखें, महिलाओं को दबाया जा सके और उनको दासी बनाया जा सके। इनका उद्देश्य उनकी रूढ़ियों और मनु की संहिताओं को समाज में लागू कराना है। पेरियार सवाल उठाते हैं कि ये हिंदू देवी देवताओं के हाथों में इतने हथियार क्यों हैं, ये किससे लड़ रहे हैं। पेरियार पूछते हैं कि ईश्वर वंचितों पर हो रहे अत्याचार को रोकने क्यों नहीं आता।
पेरियार बहुजनों से धर्म और पाखंड के जंजाल से बाहर निकलने की अपील करते हैं। वो कहते हैं कि शिक्षित बनो और ब्राह्मणवादियों की चालाकियों को समझो। पेरियार अन्ना के जन्मदिन पर हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि इस ब्राह्मणवादी जंजाल से बाहर निकलिए, पाखंड से बाहर निकलिए। द न्यूज बी की ओर से आप सबको पेरियार जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं और बधाई। पेरियार अन्ना के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज बीक।